किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, रिश्तों को हमेशा इंसान मारता है, कभी गलती से, कभी गलतफहमी से, कभी नफरत से और कभी गुस्से से। मैं एफएम से हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक महिला एक सन्यासी के पास पहुंची। उन सन्यासी के बारे में कहा जाता था कि वो जो जड़ी बूटी देते थे उससे बड़ी सी बड़ी समस्या का इलाज होता था। वो महिला पहुंची, उसने जाकर के गुरुदेव के सामने अपना दुख बताया, बताया कि मेरे पति जो हैं वो युद्ध में जब गए थे उससे पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से युद्ध से वापस आए हैं तब से वो मुझसे बात भी नहीं करते, ठीक से बात नहीं करते, प्यार तो बहुत दूर की बात है। तो गुरुदेव ने कहा कि बात तो सही कह रही हो, युद्ध जो होता है वो इंसान को ऐसे ही बना देता है। तो उस महिला ने कहा कि गुरुदेव क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बात बहुत मुश्किल है, जिस चीज की मुझे जरूरत है जड़ी बूटी बनाने के लिए वो तुम ला नहीं पाओगे। तो उस महिला ने कहा कि आप तो बस बताइए, मैं अपने पति को वापस पाने के लिए, जो मेरे पुराने पति थे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे वैसे ही चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि जड़ी बूटी के लिए शेर का एक बाल चाहिए। तो महिला चौंक गई, बोली कि तो बड़ा मुश्किल है। गुरुदेव ने कहा मैं तो कह ही रहा था। महिला ने कहा ठीक है, ये भी करूंगी। वो जंगल में पहुंची, शेर की दहाड़ सुनकर के इतना डर गई कि वापस चली गई। उसे लगा कि बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। अब वो रोज जंगल जाना उसने शुरू कर दिया, डरते सहमते धीरे धीरे वो शेर के आसपास तक जाने लगी, और शेर को भी धीरे धीरे एहसास हो गया कि कोई है जो उसके आसपास रहता है इंसान। और धीरे धीरे वो ये महिला उस शेर के लिए मांस ले जाने लगी, शेर आराम से मांस खाने लगा, और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो गई। और एक वो दिन भी आ गया जब ये महिला उस शेर का एक बाल लेकर के फटाफट से उन गुरुदेव के पास पहुंची आश्रम में, और बताया कि महाराज आप जो चाहते थे वो लेकर के आ गई हूं, बस अब फटाफट से उस जड़ी बूटी को मुझे दे दो ताकि मेरे पति ठीक हो जाए। वहां पर जहां वो महाराज बैठे हुए थे वहां पर धुना जल रहा था, तो उन्होंने उस आग में वो शेर का बाल डाल दिया। अब ये महिला गुस्सा करने लगी कि आपने ये क्या कर दिया है, तो बड़ी मुश्किल से लेकर के आई हूं, आप ही तो कह रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि जिस तरीके से तुमने एक शेर को, ऐसे जानवर को जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, अपना बना लिया, उसका बाल तुम लेकर के आ गई, इतना मुश्किल काम तुमने कर दिया, उससे दोस्ती कर ली, ये प्यार ही बस तुम्हें चाहिए जो अपने पति से तुम्हें करना है, और तुम उस पति को वापस पालोगी जो आजकल बहुत गुस्सा करता है। जब भी आपको जिंदगी में गुस्सा आए या आप पर कोई गुस्सा करे, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि आप उसे प्यार से ही जीत सकते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि हमने किसी से प्यार किया और वो हमसे दूर चला गया। आपने तो प्यार किया लेकिन शायद उसने आपसे प्यार नहीं किया। हमेशा उससे प्यार करो जो आपसे प्यार करता हो। यही आपसे कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।